told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. आज क्या हुआ? आज की नवीन चवल सुन लो। दिन स्टार्ट कैसे हुआ? मैंने अपने जो ईयरबड मैं लगाता हूँ, जिन लोगों को आदत है, यूज़ टू हैं, जो म्यूज़िक सुन के और साथ में वर्कआउट करते हैं, उनको मेरी बात बहुत समझ में आएगी। मैंने स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे आया हूँ आके, और कल मैंने वो डब्बी ना चार्जिंग पे लगा दी थी, क्योंकि कल भी मैं ईयरबड्स नहीं लगा सका हूँ सिर्फ चार्ज ना होने की वजह से। तो आज मैंने क्या किया, कल ही मैंने ना वो डब्बी लगा दी चार्जिंग के ऊपर। लो जी, चार्जिंग के मैं ला दी थी, फोन आ के तो मैं खोली है, तो जब मैं लान लगा मैं बेच, ईयरबड्स है ही नहीं। फिर मैंने देखा तो वो मैंने दूसरे बैग के अंदर ईयरबड्स निकाल के ऑलरेडी रखे हुए थे। लो जनाबे अली, वो देखा डब्बी 100% चार्ज है, ईयरबड 1% चार्ज, बेल टूट गया। जितने जिम गोअर्स म्यूज़िक के साथ एक्सरसाइज करते हैं उनको मेरा दर्द पूरा समझ में आ रहा होगा, बाकी अनु नहीं समझ आ रही होगा। लो जनाबे अली, आज अब शोल्डर करेंगे और साथ में लत्ता तोड़वावेंगे और की करेंगे, म्यूज़िक है नहीं, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give. अच्छा जी, तो हल्के वज़न के फ़वाद, हल्के वज़न के फ़वाद ये हैं कि हल्के वज़न के साथ आप मसल को बनाते हो, पहले क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद आप उसके साथ यूज़ टू होते हो, यूज़ टू होने के बाद एक्यूरेसी प्लस हैवी वेट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है आपके मसल के ऊपर, और मसल का बड़ा होना फिर ईजी हो जाता है। शुरू के अंदर अगर आप वज़न को हल्का नहीं रखते हो, मसल को महसूस नहीं करते हो, क्योंकि हैवी वज़न के साथ आप बाकी मसल पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हो उस एक्सरसाइज के अंदर, और सबसे बड़े जो बेनिफिट्स होते हैं उससे आप हाथ धो बैठते हो। तो सादा सिंपल इक्वेशन, हल्का वज़न रखो, कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर महसूस करो, मसल एक बार जब बनना शुरू हो जाएगा, इसकी प्रोडक्शन के अंदर मसल की 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, इट डिपेंड्स आप डाइट कैसी साथ में ले रहे हो और वर्कआउट किस तरह का आप साथ में कर रहे हो। तो हल्के वज़न के फ़वाद ये हैं कि पहले मसल को महसूस करो, जब वो प्रॉपरली बनना स्टार्ट हो जाएगा तब आपका वज़न ऑटोमेटिकली, जब मसल बनता है तो उसमें एनर्जी आती है, और एनर्जी आने की वजह से फिर आपका वज़न ऑटोमेटिकली आप बढ़ाना शुरू कर देते हो। तो एक्यूरेसी पहली की है, पहली चाबी है ताला खोलने की मसल बनाने के, और उसके बाद मसल बनता है, टॉप अप होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरा डेल्टॉइड कैसा लग रहा है ये बताओ, ये देख के आप कह रहे होगे I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for. Hello, my friends, welcome back to my channel. और बस आज वर्कआउट किया है, वर्कआउट करके और कुछ फैमिली के साथ आज गपशप लगती रही है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम गुजर गया, और वर्कआउट में आज बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं थी। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मूड डेड हुआ मेरा, वो म्यूज़िक का ना होना, उसने मेरे मूड को डेड किया, और इसमें कोई भी वो नहीं है,
जब आपका माइंड एक चीज के साथ यूज टू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक के बिना जिम नहीं होती, मैं वैसे मैंने कभी की तो नहीं, लेकिन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, लेकिन वही है कि आप यूज टू नहीं हो तो आपका माइंड फौरी तौर पे उसको पकड़ नहीं रहा होता और आपके लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप रेगुलर जा रहे हो म्यूजिक के साथ और एक दिन आपको म्यूजिक नहीं मिला तो आप हवास भागता हो जाते हो उस दिन। तो मैंने जोर लगाने की कोशिश की है, ऊपर से आज लेग डे था, लेग प्लस शोल्डर, और लेग वाले दिन तो मुझे डबल मोटिवेशन चाहिए होती है और उस दिन मेरा वो गेम ऑफ हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो हाँ जी, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि जो हमारा बटर कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इसका यूज़ आपको करना चाहिए। चलें आप रेगुलर ना करें, आप एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे आप बटर को यूज़ कर सकते हैं, या जैतून के तेल को आप यूज़ कर सकते हैं, और कोकोनट ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, ख़ास तौर पे मैं बंदों को कहूँगा, मेल के लिए मैं कहूँगा, फ़ीमेल इसको कम यूज़ करें, फ़ीमेल को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। जो बटर है या ऑलिव ऑयल है या जैतून का तेल है या दूसरे तेल भी हैं और बाकी भी तेल है लोकल तेल के अलावा, पाकिस्तान में, इंडिया में या हमारे कंट्रीज़ में जो लोकल तेल मिलते हैं शान के और दूसरे जो भी हैं, वो तो निहायत बैड ऑयल है। तो ये कि प्रॉपर वाले जो ऑयल हैं उनमें से आपको यूज़ कर सकते हो, या अच्छी कंपनी का बटर जो ऑथराइज्ड है, जो गारंटीड है, उसका बटर बिल्कुल थोड़ा सा। अब थोड़े को पता नहीं आप थोड़ा क्या समझ लोगे, थोड़े का मतलब आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा क्या होता है, उसके फ़वाद क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा, उसको बूस्ट करने के लिए ये बहुत कारआमद है। हम मेडिकेशन पे जाते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है गाइज, ये प्रॉपर एक टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन का, और इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक आपके साथ अलग से बात करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरे टॉपिक को नहीं लेके आऊँगा, लेकिन हाँ मैं आपको इन चीज़ों का बता रहा हूँ कि बटर और जो ये ऑयल है जैतून का या कोकोनट का या कॉर्न ऑयल कह लें आप, वो बिल्कुल लास्ट में आता है। कॉर्न ऑयल सबसे पहली प्रायोरिटी है अच्छी कंपनी का बटर, जैतून और कोकोनट ऑयल से भी पहली प्रायोरिटी है बटर की। हम बहुत जगहों पर हमने यही पढ़ा है कि कोकोनट या दूसरा, लेकिन साइंस बेस्ड सबसे बेस्ट अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के लिए या कोलेस्ट्रॉल लेना है, आपको आपकी बॉडी को आपने कोलेस्ट्रॉल देना है, तो बटर का कोलेस्ट्रॉल सबसे बेटर है, हत्ता के जैतून के तेल से भी ज़्यादा, हत्ता के कोकोनट के तेल से भी ज़्यादा बेटर है कि अगर आप बटर का जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करें, थोड़ा बहुत लें एवरी सेकेंड डे थर्ड डे, तो आपको मेडिकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ों में से टेस्टोस्टेरोन मिलता है, ऐसा नहीं है कि और नहीं चीज़ों में से मिलता, ढेर लगा हुआ है बहुत सारी चीज़ों का, इंशाल्लाह ताला अलग से मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा है गाइज। और आप चाहे फैट लॉस पे हो, चाहे वेट गेन पे हो, जिस मर्जी लेवल के ऊपर हो आप इस, क्योंकि टेस्ट अब आपका नंबर मर्द का, मेंस का नंबर वन मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टी बूस्टर आपने काफ़ी सुना होगा, हम टी बूस्टर जी सब यूज़ करते हैं, और वो भी करेंगे उसके ऊपर बाद। बहरहाल आप इसका यूज़ एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे लाजमी इसको यूज़ में लेकर आएँ, और इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसको बहुत इंसानों वाली मकदार के अंदर इस्तेमाल करें ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको इसके फ़ायदे मिले और कुछ भी ना मिले। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है अगर उसको एक क्वांटिटी में लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमारी बॉडी की नीड है, वो चाहिए चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से निकल गया बहुत सारे पंगे अंदर आ जाएंगे उसी टाइम। तो इसलिए कहते हैं ना, फैट को बहुत कम पे भी ले जाएं तो तब भी आपके पंगे शुरू हो जाते हैं, तब भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना है, कोलेस्ट्रॉल का बहुत मेन रोल है हमारी बॉडी के अंदर गाइज। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना था, अल्लाह हाफिज़ गाइज, कल मुलाकात होगी, बाय 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 बाय।